कैसे आप लोग? आज हम लोग पावर ऑफ लेंस देखेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो देखिए, किसी भी लेंस का जो कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये, और एक और समझना होगा, ये डिफाइंड जो है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ टेंजेंट होता है, अ टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए, आपको यहाँ पर यूनिट लेना होगा, यूनिट हाइट लेंगे हम लोग, फिलहाल एच मान लेंगे हम लोग। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर ये कन्वर्ज कर दिया। अब देखिए कितना कन्वर्ज, जो अगर ये नहीं रहता तो ये चला जाता है, ऐसे ये देखिए डेल हो गया, यहाँ भी डेल हो जाएगा और ये फोकस हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और ये आप एच फिलहाल मान लीजिए, इसको हम लोग बाद में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक कन्वेक्स लेंस लें, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस, इसको क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। अब इसे इसमें भी आपको ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल, देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर यूनिट हाइट, फिर इसको एच मान लेंगे हम लोग, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, डाइवर्ट करता है इस तरह। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका, अगर ये नहीं रहता लेंस तो कैसे चला जाता है, ये डायरेक्ट सीधे चला जाता है। लेकिन अब कितना ये डाइवर्ज हुआ है, यहाँ कितना कन्वर्ट हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और ये देखिए इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया। ये मान लीजिए डेल, इसको देखिए यहाँ भी डेल हो जाएगा, फिर यहाँ भी डेल हो जाएगा, यूनिट हाइट मान लेते हैं, अभी फिलहाल एच लेते हैं, और ये आपका एफ हो गया। देख सकते हैं इसका जो फोकस होगा, क्योंकि लाइट इंसिडेंट इस पर हो रहा है, तो इधर हो लेंगे हम लोग इसका, और इसका लाइट यहाँ पर हो रहा है, तो इसका इधर नहीं है, तो इसका हो गया। तो अब देखिए, ये टेन डेल हम लोग ले रहे हैं, टेन डेल बहुत छोटे एंगल के लिए डिफाइंड होता है ये, तो क्या हो जाएगा, एच बाई दोनों ट्रेंगल में दे सकते हैं, इस ट्रेंगल में ले या इस ट्रेंगल में ले, अगर कोई नाम दे दे आपके, यहाँ पर एम दे दे, यहाँ भी एम दे दे, तो क्या हो जाएगा, इंट्रेंगल एम ओ एफ, इंट्रेंगल एम ओ एफ, किसी बात है, इंट्रेंगल एम ओ एफ, यहाँ भी एरो लगा दीजिए, यहाँ भी एरो लगा दीजिए, इस तरह देखिए, तो क्या हो जाएगा, एच बाई ये आपका एफ छोटा ले ले, फोकल लेंथ को भी एफ कर दे छोटा, एच बाई। अब देखिए बहुत स्मॉल है, टेन डेल इज वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल हो जाएगा एच बाई एफ हो जाएगा, एच जो है वन लेंथ, यूनिटी हमेशा लेंगे, उसी लिए डिफाइन किया गया है, तो वन बाई एफ, ये हो गया आपको पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ। अब ध्यान दे रहा है यहाँ पर, 1 मीटर डाल दीजिए। अब देखिए, ये हमेशा मीटर में डिफाइन किया जाता है इसको, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसी को हम लोग पी से भी लिख सकते हैं, 1 बाई एम, हमेशा मीटर में, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी का एसआई यूनिट, यहाँ लिख दिया जाए, पी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, इसी को डायप करेंगे, डी के द्वारा चेक करेंगे। दूसरी बात है,
इसका तो फोकल लेंथ प्लस होगा, तो पी इज इक्वल टू 1/m कीजिएगा इफ एफ इन मीटर। डायरेक्ट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर ये सेंटीमीटर में होगा 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, इफ एफ इन सेंटीमीटर, ये हो गया आप किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। और पी इक्वल टू -1/m या पी इक्वल टू -100/m इफ एफ इन मीटर, इफ एफ इन सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में डायरेक्ट रख दीजिए ना, यहाँ फायदा होगा। ये किसके लिए है, कनकेव लेंस के लिए या डाइवर्जिंग के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए हो गया। ये हो गया कन्वर्जिंग, ये कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इस तरह आप इसको करेंगे। तो आपने एक चीज याद रखिए कि जब भी अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो ए पॉजिटिव पी पॉजिटिव, ये याद रखें, ये रूल लगा के लिख सकते हैं आप, ए पॉजिटिव पी पॉजिटिव, एफ निगेटिव पी निगेटिव, याद रहेगा, ये देखते हैं आपको सुविधा। तो जब भी अगर लेंस से क्वेश्चन आता है तो उसे इसको रिलेट कर देगा आप, तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए क्या हुआ कि ये मेजर ऑफ कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, पावर ऑफ लेंस क्या है, मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस इसको जो है कि लेंस को और लिख सकते हैं विच इज प्लेस्ड इन इंसिडेंट लाइट, और ये न्यूमेरिकली डिफाइंड क्या है, ये डिफाइंड एज अ टेंजेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिटी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये आप हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को रिलेट कैसे करता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले यहाँ पर, क्योंकि जब भी देखिए एक्चुअली होता क्या कि बच्चे जो है कि लेंस का जो क्वेश्चन है तो मैट्रिक क्लासेज बनाते हैं, इंटर में कैसे उसको पूछेगा उसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये क्या करेगा कि पावर के फॉर्म में ले रहेगा बस, और ज्यादा कुछ अंदर से क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए इनके सामने मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि कन्वेक्स लेंस लेंस ऑफ पावर टू डायोप्टर या इसको और आसान कम लेंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पावर 2D प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2D देन फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए कोई भी आर्बिट्री क्वेश्चन लेके आप समझ सकते हैं ये मकसद। देखिए पहले इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले पावर आपको जो दिया हुआ है वहां से चलना होगा, तो पावर कितना हो गया, पी इक्वल टू 2D दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए डायरेक्ट अगर आप सेंटीमीटर में इसको लाना चाहते हैं, बाकी जो डाटा सेंटीमीटर है तो ये पी इक्वल टू 100/m लगा दी, क्योंकि जहां है आप प्लस देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स लेंस होगी सबसे पहले, तो वहां से पकड़ेगी कन्वेक्स लेंस। अगर ये माइनस रहता
तो ये क्या होता है, कनकेव लेंस जाता है, डाइवर्जिंग लेंस जाता है। अभी क्या है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना, ये समझना है। ये हो गया टू, तो ये ए फिजिकल टू कितना होता है 50 सेंटीमीटर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं वहां पर, उसका पोजीशन जो होता है, इधर लेते हैं इधर एक्स लेते हैं, इधर माइनस एक्स कहीं भी रखा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होगा -20। हाइट दिया हुआ एच वन कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब इसको ऑपरेट कर लूंगा तो 1/v माइनस 1/u 1/a, पहले तो ये लगाएंगे तो 1/v, और देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस 1/20, 1/u क्या 50, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको 1/v 1/50 माइनस 1/20 क्या हो जाएगा 1/v, इसका एलसीएम 100 ले लिया जाए है ना, 50 गुनी और बी पर है ना, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 7/100। तो वी इक्वल टू आपका आ गया कितना, वी हो गया आपको वी, अच्छा यहाँ पर साइन 52 और ये आपका निगेटिव है ना, इधर निगेटिव बी 2500 माइनस वाला ज्यादा है तो कितना हो जाएगा -3 है ना। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3 माइनस के साथ, तो -33.33 इस तरह कर देंगे। अब देखिए हम लोग एम देखना है कि पहले में रियल है या वर्चुअल है, फिर हम लोग क्वेश्चन बना के भी देखेंगे। एम इक्वल टू वी बाई यू होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है, तो वी कितना हो गया -100/3 और यू की जगह कितना है ये -20। तो देखिए माइनस में प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा 20 से 5 बार में, तो ये हो गया एम इक्वल टू 5/3, ये हो गया आपका। अब यहाँ से एम इक्वल टू क्या लिखेंगे H2/H1, H2 निकल जाएगा यहाँ से 5/3 H1, तो 5/3 H1 कितना है 10, तो कितना हो गया 50/3 हो जाएगा, तो लगभग 16.67 लगभग हो जाएगा 16.67। अब देखिए इसको लोग बना के देखते हैं थोड़ा कैसा होता है, देखिए जो हम लोग लाए हैं वो सेटिस्फाई करता है कितने की, फिगर से भी एक बार देख लें आपको अंदाज मिल जाएगा। जैसे फोकल लेंथ इसका कितना है देखिए, तो ये आपका 50 है, 50 है ना, 50 बाई कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं आपको आधा दिखाइए 50, ये आपका एफ है, ये आपका 2f, ये आपका 50 है, तो इधर भी एफ डैश भी 50 होगा 50 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 100, 2f डैश तो 100 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मान लिया कि 25 आधा होगा और 20 पर रखा, लगभग यहाँ रखे ये रख लो मान लीजिए इसके आधा से, तो ये रे ऐसे गया और ये देखिए इस तरह। आप ऐसे भी जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइड साइड भी बनता है, मैग्निफाइड होता है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैग्निफाइड आपको नजर आएगा, तो ये देखिए आपका ये इस तरह, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह बन रहा है, तो आप कन्फर्म समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग का सेटिस्फाई हो जाएगा कि वी देखिए कहाँ पर है 33, हालांकि पूरे अच्छे से नहीं कटाइए 33.33 है ना, तो 50 ले तो इसको हाइट छोटा रखना पड़ेगा, देखिए और छोटा हाइट क्योंकि उसके 50 के रेंज में 10 को दिखाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप देखिए उसको हम लोग दिखाते हैं वो छोटा लेना पड़ेगा, ये आपका हो गया थोड़ा सा हम लोग बड़ा ले लेंगे, लेकिन समझने के लिए देखिए 50 अगर इतना बड़ा है तो 10 इतना बड़ा होना, देखिए ये देखिए इतना बड़ा होगा है ना, तो ये जो आपका जाएगा ये देखिए ऐसे, और ये आपका फोकस से होके इस तरह, और ये देखिए इस तरह हो, तो
ये आपका 33 पॉइंट पर देखिए, इस तरह अगर आप देखिए ये लगभग हो गया 25 था लगभग, देखिए तो आप देख सकते हैं इससे मैग्नीफाइड हो गया कि रियल फैक्ट रियल इवेंट हो गया, देखिए इस तरह देख सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट देखिए आप सब जो भी डाटा उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, आप स्केल से अगर मेजर करके लीजिएगा तो और एग्जैक्ट आएगा। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं इसको। तो पावर ऑफ लेंस क्या आप समझिए, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, तो उसको पावर के फॉर्म में दे देता है, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज से बच्चे पढ़ते आते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए वो डायपर का यूज करता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी इसका क्वेश्चन होगा 2D है तो -2D हो सकता है, इस तरह और डाटा को चेंज करेगा, लेकिन आपको इनिशिएट इसी तरह करना होगा और फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में एक बार ध्यान देना होता है कैसे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाता है, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए कि डाटा को कलेक्ट करने का तरीका सीखना होगा। अगर ये डाटा देखिए जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसको गौर करें बच्चे, देखिए डाटा को कलेक्ट करना है देखिए सबसे पहले, और डाटा कलेक्ट करने से आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन को लिख रहे हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है देखिए एफ दिया हुआ है, तब अब निकालना क्या है ये निकालना है, देखिए स्पष्ट आपको पता चलता है। फिर आपको क्या निकालना होगा कि पहले ये भी निकाल तो लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले दिमाग में आओगे रियल है या वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन निकालना, इससे दो काम हो जाएगा, ये प्लस आया तो पता चल जाएगा कि वर्चुअल है, ठीक है वर्चुअल है यहाँ पर। अब जैसे ही एम निकला तो ये वर्चुअल पता चल गया, और H2 by H1 नहीं दिया तो उससे क्या फायदा हुआ, H2 फिर निकल जाए, अब H2 का मान भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये भी पता चल गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, देखिए हो। अब देखिए आप क्वेश्चन भी कैसे बनाएंगे उसको बता रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस का मिस्टेक अगर कहीं हो गया, सबसे पहले तो साइन स्क्रीन में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ से इधर x मान लीजिए, इधर -x मान लीजिए, ऊपर वाले को y मान लीजिए, नीचे वाले को -y, अब इधर जो भी मेजर करेंगे तो -x, तो देखिए यहाँ पर ये निगेटिव देख सकते हैं है ना, और ये चूंकि इस पर लाइट आके गिरता है ना, इसलिए इधर वाला फोकस का साइन दिया जाता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इधर तो फिर ठीक है, जिस पर रे फॉल होता है, देखिए रे इधर फॉल हो रहा है, तो ये समझना होगा इधर वाला लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बाद उसका आधा हो गया, तो ऐसे करेंगे। तो ये साइन स्कीम है, तो ऊपर की ओर वाई में है तो प्लस होगा, देखिए दोनों प्लस है, ऑब्जेक्ट हाइट भी और इमेज हाइट भी ये प्लस हो गया, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। और बाकी अगर और कोई विशेष जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको बता दें। हमारा प्रयास ये है कि सभी बच्चों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिले। थैंक्स टू ऑल।